हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज मैं बना रही हूँ बथुआ का साग, जो कि मैं बैंगन और आलू से बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कलकत्ता में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप अपने घर में इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच। तो मैंने यहाँ पर एक गड्डी बथुआ साग लिया है, यानी कि 250 ग्राम बथुआ है यहाँ पर। तो मैंने इसको छोटे छोटे कट करके उसके बाद अच्छे से 3 से 4 बार वॉश कर लिया है। और एक यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का बैंगन लिया, जिसको मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं। तो आलू को मैंने बिल्कुल पतले पतले कट किए हैं, और एक ही मैंने आलू लिया मीडियम साइज का। तो देखिए पतला इतना कट कर लिया मैंने। थोड़े से बारीक लहसुन काट लिए हैं मैंने, 4 से 5 कली लेके, और 2 हरी मिर्च बारीक काट लिए हैं। थोड़ा सा मंगरेला ले रही हूँ मैं यहाँ पे, और 2 सूखी मिर्च ले रही हूँ, और थोड़े से मूँगफली ले रही हूँ यहाँ पर मैं, और 4 से 5 मैं यहाँ पर बड़ी ले रही हूँ। आप कोई से भी बड़ी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसको थोड़ी देर हम गरम कर लेते हैं पहले। तो कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है। सूखे कढ़ाई में ही हम थोड़ा मूंगफली को रोस्टेड कर लेंगे, अच्छे से थोड़ा हम भून लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मूंगफली हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसे एक हम कटोरी में निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। तो हमने 1 बड़े चम्मच तेल ऐड कर दिया, ये रिफाइंड तेल है। आप चाहो तो सरसों तेल से भी खाना बना सकते हैं। तो तेल गरम हो चुका है, अब इसमें बोरी हम अच्छे से भून लेंगे। हल्का हमें ब्राउन करके भूनना है इसे, और भून कर इसको निकाल। देखिए दोस्तों, हमने बोरी को अलग से एक कटोरी में निकाल लिया इसको भून कर। तो तेल हमारा गरम है, इसमें हम 1 चम्मच तेल और ऐड करेंगे। तेल को हल्का हम गरम कर लेंगे। तो तेल हमारा गरम है, इसमें हम सूखी मिर्च और मंगरेले को ऐड कर दिया है। तो इसको हल्का हम पहले भून लेंगे, और मंगरेला और हमारा सूखा मिर्च अच्छे से भून चुका है। अब लहसुन और हरी मिर्च को हम ऐड कर लेंगे, और इसको भी हल्का हम भून लेंगे। हल्का गुलाबी तक हमें भूनना है इसे। तो लहसुन हमारा भून चुका है, अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। तो आलू को हम हल्का गुलाबी भून लेंगे पहले अच्छे से। तो दोस्तों, आलू हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम यहाँ पे बैंगन ऐड कर देंगे, और बैंगन को भी आलू के साथ थोड़ा भून लेंगे अच्छे से। तो गैस को मैंने मीडियम पर रखा हुआ है। तो मूंगफली के छिलके हम इजिली निकल जाते हैं, आप ऐसे हाथ में लेके मसल सकते हैं। तो ये मूंगफली के छिलके हम निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक लेंगे। तो एक चुटकी हम यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जी को, और इसमें बथुआ साग ऐड कर देंगे। तो साग को हम ऐड कर देते हैं इसमें। तो साग को मैंने ऐड कर दिया, और गैस को हम लो फ्लेम पर रख कर ढक्कन ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो ढक्कन ढक दिया मैंने, 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे एक बार। तो साग को एक बार हम चेक कर लेते हैं, और अच्छे से हम साग को बैंगन और आलू के साथ मिक्स करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है हमारी बथुआ के साग। आप भी इस तरीके से एक बार अपने घर में जरूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। बथुए के साग तो आपने बहुत तरीके के बना के खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से भी बना के देखिए। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो हमने बोरी भून के रखा हुआ था, उसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। तो बोरी को मैंने थोड़े से छोटे छोटे चूरे कर लिए हैं, उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। बोरी ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक्कन ढक देंगे 2 मिनट के लिए। और गैस को मैंने मीडियम पर रखा हुआ है इस टाइम पे। तो साग को एक बार हम दोबारा चेक कर लेंगे। तो साग को हम एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, जो इसमें पानी बचे हुए थे वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुके हैं, और इसमें हम मूंगफली भी ऐड करेंगे। मूंगफली को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं छिलके हटाकर, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो साग को हम बहुत अच्छी तरीके से मूंगफली के साथ मिक्स करेंगे, और गैस को हाई फ्लेम पर रख कर थोड़ी देर हम भूनेंगे अच्छे से।
तो दोस्तों साग को हमने बहुत अच्छे तरीके से लगातार 1 मिनट से ज़्यादा भूना है, तो इसमें जो भी पानी बचा हुआ था वो भी सूख चुका है। तो हमारा साग बनकर तैयार हो चुका है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने एक बाउल में बथुए साग को निकाल लिया है और यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने घर में, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।